दोस्तों, बॉलीवुड फिल्में आपको ज़रूर ही बहुत पसंद होंगी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड फिल्मों में अगर सॉन्ग्स ना हो तो? बिना सॉन्ग्स के हम बॉलीवुड फिल्में इमेजिन ही नहीं कर सकते। एक्चुअली में सॉन्ग्स बॉलीवुड फिल्मों की जान होती है, और हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे ही टॉप सिंगर्स के बारे में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे उन सिंगर्स की पर सॉन्ग के चार्जेस क्या है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले बात करेंगे 13 सुरूर में वफा ने बेवफाई सॉन्ग और स्ट्रीट डांसर के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग नाची नाची गाने वाली सिंगर नीति मोहन के बारे में। नीति मोहन की बात करें तो वैसे तो वो बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, और अगर उनके चार्जेस की बात करें तो वो पर सॉन्ग का चार्ज करती हैं तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये। अब बात करेंगे आशिकी 2 में वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स को गाने वाले सुन रहा है ना तू के सिंगर अंकित तिवारी के बारे में। इनके गाने सीधा आपके दिल को छू लेते हैं, और ये बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, और इसी के साथ उनके चार्जेस की बात करें तो ये पर सॉन्ग का चार्ज करते हैं 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपीज़ इनके पर सॉन्ग के चार्जेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा बदतमीज़ दिल जैसे फास्ट सॉन्ग और गजिन के बहुत ही फेमस सॉन्ग कैसे मुझे तुम मिल गई जैसे स्लो सॉन्ग को बहुत ही खूबसूरती से गाने वाले बैनी दयाल के बारे में। बैनी दयाल स्लो और फास्ट दोनों तरह के सॉन्ग्स को बहुत ही बखूबी से गा लेते हैं, और अपने इसी टैलेंट की वजह से बॉलीवुड में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। और अगर इनके चार्जेस की बात करें तो इनके पर सॉन्ग के चार्जेस होते हैं तकरीबन 6 लाख रुपये। अब बारी है रॉक स्टार के कुन फया कुन और अनजाना अनजानी के तुझे भुला दिया सॉन्ग को गाने वाले सिंगर मोहित चौहान के बारे में। मोहित चौहान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिंगर हैं, और अपनी इसी पॉपुलरिटी को देखते हुए वो पर सॉन्ग पे चार्ज करते हैं तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए। तो अब मैं बात करूंगा वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल आर्टिस्ट इन इंडिया। वैसे तो ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, और इनके गाए हुए गाने वायरल होते ही हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गर्मी के बारे में। नहीं, गर्मी नहीं, गर्मी सॉन्ग के सिंगर स्ट्रीट डांसर फिल्म के गाए गर्मी सॉन्ग की सिंगर नेहा कक्कड़ के बारे में। नेहा कक्कड़ को आप सभी बखूबी जानते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, और अगर इनके चार्जेस की बात करें तो ये अपने पर सॉन्ग के चार्ज करती हैं तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए। मतलब ये अभी तक के कई मेल जो है जो आपके सिंगर हो गए उनसे भी ज़्यादा चार्ज करती हैं। अब हम बात करेंगे रमैया वस्तामैया फिल्म में जीने लगा हूँ और टाइगर जिंदा है मैं दिल दिया गल्ला जैसे बहुत ही फेमस सॉन्ग्स को गाने वाले सिंगर आतिफ असलम के बारे में। आतिफ असलम की जो है जो भी गाने गाए हुए होते हैं वो आप बिना गुनगुनाए खुद को नहीं रोक सकते। आतिफ असलम वैसे तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोगों के दिलों पर इनका राज चलता है। इसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स की जेबों पर भी इनका राज चलता है, क्योंकि ये अपने पर सॉन्ग की फ़ीस जो चार्ज करते हैं वो है 9 लाख रुपये। हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर जिनके गाने सुनते ही आप भुला दो अपने सारे गम, वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम ने वैसे तो बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी रहते हैं। अगर इनकी गानों की बात करें तो इन्होंने बहुत टाइम से पॉपुलर सॉन्ग्स गाए हुए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं तेरा रंग बल्ले बल्ले जैसे सॉन्ग्स भी इन्होंने ही गाए हुए हैं, जो तब से लेकर आज तक लोगों की ज़बान पर चढ़े हुए हैं। और अगर इनके फीस की बात करें तो ये पर सॉन्ग का जो चार्ज करते हैं वो करते हैं लगभग 9 से 10 लाख रुपए। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे बॉलीवुड सिंगर्स में सुनिधि चौहान का नाम नहीं पता होगा। सुनिधि चौहान काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं बॉलीवुड में, और इसी हिसाब से वो चार्जेस भी करती हैं। ये अपने चार्जेस करती हैं एक सॉन्ग के 10 से 11 लाख रुपए। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड में बहुत ही ज़्यादा नाम कमाने वाले छम छम सॉन्ग और चित्तियाँ कलाइयाँ जैसे गानों को गाने वाले सिंगर और कंपोज़र मीत ब्रदर्स के बारे में। ये गाना गाते भी हैं और साथ ही साथ कंपोज भी करते हैं, और इसी के साथ ये बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी रहते हैं। अगर इनके चार्जेस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये पर सॉन्ग के जो चार्ज करते हैं वो है तकरीबन 12 से 13 लाख रुपये। अब मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेमस लोगों के दिलों पर बेइंतहा राज करने वाले सिंगर के बारे में। एक बार तो फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, पर इनके गाए हुए गानों में हिट होने की गारंटी रहती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बड़ा पछताओगे जैसे गानों को गाकर जिनका दिल ना टूटा हुआ हो उनको भी दिल टूटने का दर्द बताने वाले सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में। अरिजीत सिंह की पॉपुलरिटी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं ये आप इनके गानों से जान ही सकते हैं। और अगर इनके चार्जेस की बात करें तो ये पर सॉन्ग के चार्ज करते हैं तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए, और इतना बनता भी है क्योंकि इनके गाने लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़ते हैं कि फिर उतरने का नाम ही नहीं लेते।
बात करेंगे एक ऐसे सिंगर के बारे में जिनके गानों के बिना पार्टी पार्टी नहीं लगती और शादी बिल्कुल शादी शादी लगती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चार बोतल वोदकर पार्टी ऑल नाइट जैसे ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स को गाने वाले सिंगर हनी सिंह के बारे में। हनी सिंह की पॉपुलरिटी तो आप सभी जानते हैं और इसी हिसाब से वो अपने चार्जेस भी करते हैं। अपनी पॉपुलरिटी को देखते हुए हनी सिंह पर सॉन्ग के चार्ज करते हैं 15 लाख रुपये। अब हम बात करेंगे बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड सिंगर के बारे में। तो ना तो ये हनी सिंह निकले, ना अरिजीत सिंह और ना ही नेहा कक्कड़। तो जो ये हैं ये बहुत ही ज़्यादा चार्ज करती हैं हनी सिंह और नेहा कक्कड़ और अरिजीत सिंह के मुकाबले। तो आपको बता दूं ये है तेरी मेरी कहानी जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स को गाने वाली श्रेया घोषाल अपनी सुरीली आवाज़ के चलते ये बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ये हाई क्वालिटी सॉन्ग्स को गाने के लिए जानी जाती हैं। और आपको बता दूं ये अपने पर सॉन्ग का जो चार्ज है इनका वो है 18 से 20 लाख रुपये। मतलब आप जान सकते हैं नेहा कक्कड़ से लगभग दुगना, इवन हनी सिंह और अरिजीत सिंह से भी काफ़ी ज़्यादा ये चार्ज करती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ तक बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।